हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू नेचुरल ब्लॉगर रंजन ब्लॉग। आज मैं अपना दोस्त के साथ एक जू विजिट में गया हूँ। ये आपका उड़ीसा में है और नंदनकाना नहीं इसका नाम है। ये भुवनेश्वर से आसपास एक बारंग स्टेशन है, उसी के एरिया के अंदर नंदनकाना जू है और उसी का देखने के लिए हम आए हैं। और यहाँ जू में काफ़ी बंगाल टाइगर के ऊपर काफ़ी फेमस है, इंडियन बंगाल टाइगर जो रियल है और उसके ऊपर फेमस है और बहुत कोई जानवर है। और उसी एरिया के अंदर आप अगर जाएंगे नंदनकाना के अंदर तो काफ़ी दिशा में आपका ये है, आपका एक लाइन पे आप टाइगर, लायन और पोलर बियर तक देख पाएंगे और उसी लाइन के अंदर सारा कुछ आप देख सकते हैं। आप लियोपार्ड भी देख सकते हैं और टाइगर भी देख सकते हैं, लायन भी देख सकते हैं, एलिफेंट्स वगैरह भी हैं और मंकीज काफ़ी है। और उसी में आपको जाएंगे तो बोटिंग और ट्रैमिंग का भी सुविधा है अंदर में और काफ़ी अच्छा घूमने के लिए लायक है और काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है। और बहुत के अंदर गाइड भी है, आपको अगर नया गए तो गाइड भी गए हैं, गाइड आपको बता देंगे कहाँ कहाँ ये करने में। और अच्छा भी वीडियो है अगर देखेंगे, लायन और ये एशियन लायन है, अफ्रीकन लायन है, एशियन लायन है और सबके लिए अलग अलग पूरा व्यवस्था बना गया है, आप देख सकते हैं। और काफी अच्छा भी है, काफी ब्यूटीफुल एरिया है और देखने के लिए भी काफी अच्छा है, पूरा नज़ाकत पूरा बेस्ट है पूरा। काफी बेस्ट लायन है। ये तो आपका पोलार बियर भी है, पूरा धीरे 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 पूरा आता है, पूरा पानी पीने के लिए आया है। अभी नीचे में उनका पूरा सेटअप बना हुआ है, ऊपर में उनका घर है और नीचे में काफी हिल एरिया जैसा है, नीचे तरफ है और पूरा पानी है, पूरा तगड़ा बंदा, पूरा तगड़ा है। पूरा नीचे में पानी एरिया है पूरा, और इधर उधर लोग जो भी लोग देखते हैं हल्ला करते हैं, देखता रहता है कि चला कहाँ है। और नया साल में हम घूमने के लिए गए हैं, लोग का भी मन है कि भाई नया साल हमको भी खुशी गिफ्ट मिले। वहाँ देख सकते हैं टाइगर अपना पूरा, बहुत पहले ज़्यादा जब हम बचपन में जाते थे तो यहाँ जो ज़्यादा तादाद में है, लेकिन अभी धीरे कम हो गए हैं। और लेकिन काफ़ी साफ सुथरा क्लीन एरिया है, पूरा प्रॉपर जो मेंटेन हुआ है और उड़ीसा सरकार के काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी है। और आप पूरा जू घूमेंगे, पूरा साफ सुथरा क्लीनिंग एरिया है, गाइड भी है और अगर पूरा परफेक्ट एरिया है। ये तो हाथी है, हाथी का इलाका भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाथी है, तीन चार हाथी है और काफ़ी पूरा फ्रेंडली हाथी है, वो लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, पूरा प्रॉपर वीडियो है, फुटबॉल भी खेलते हैं हाथी वगैरह पूरा आकर। और हर हाथी के लेके अपना माउंट वगैरह है, अटेंटिव जो हाथी को अपना देख रेख करते हैं पूरा। ये तो बच्चे हाथी वगैरह है, बच्चा हाथी आप देख सकते हैं। ये तो अब टाइगर ही है, नहीं टाइगर नहीं, ये ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच है जो आपका सबसे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अंडा जो जिसका बड़ा है वो ऑस्ट्रिच ही होता है। ये काफ़ी ऑस्ट्रेलियन वगैरह है, आप देख सकते हैं सबसे मतलब चतुर्मुर्ग इसको बोलते हैं और ये सबसे हाइट में भी ज़्यादा बड़ा होता है। और
ये तो आपका बब्बर शेर है, क्रोकोडाइल है, और एक तो क्रोकोडाइल सब सोए हैं, एक क्रोकोडाइल चला, उसको भूख लग रहा है, वो बड़ा सोया हुआ लग रहा है जैसे खाना आ जाए उसका मुंह पे। ये तो जिराफ है, और एक ही जिराफ है वहाँ पे, जिराफ पूरा घूमता रहता है अपना, उसके लिए खाना भी खाता जाता है। और ये आपका एक क्रोकोडाइल है जो चलते 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 चल रहा है, पूरा चल चल रहा है। वाटर फाउंटेन है जो वहाँ पे उस एरिया में बोट और ट्रैवलिंग का भी काफ़ी आयोजन किया है, बोटिंग एरिया है पूरा, यहाँ पे लोग अपना बोटिंग वोटिंग करते हैं पूरा। 5 बजे के अंदर में जाएंगे तो बोटिंग खुला रहेगा, आप पूरा जाकर 5 बजे जाएंगे तो यहाँ बोटिंग नहीं खुला रहेगा, बंद हो जाता है। ये तो नीलगाय है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है नीलगाय का। और ये आपका आ गया हिरन, बहुत टाइप का हिरन है वहाँ पे, सबका अलग अलग टाइप का हिरन अपना है, 2-3 कंपार्टमेंट बना हुआ है, और हिरन बकरा भी काफ़ी है। अगर आप आइए तो नंदनकानन आइए और अच्छा घूमिए, पूरा ब्यूटीफुल नज़ारा है पूरा। उड़ीसा का टूरिज्म में काफ़ी डेवलपमेंट अभी हो रहा है, तो काफ़ी डेवलपमेंट अभी हो रहा है, सब प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो रहा है। आप आइए यहाँ पर घूमिए, ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर पक्षी बार्ड्स वगैरह की एक पूरा बहुत बड़ा इलाका बना हुआ है उन लोगों के लिए पूरा प्रॉपर। पूरा बर्ड्स का पूरा एरिया ही है पूरा, देखो बच्चा एक बाहर से बुलाता है, बुला रहा है कि आ जा आ जा भाई। एक लेक है इस साइड पूरा उसी एरिया का,